सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो आज सौरभ जोशी जब अपने सोसाइटी के बाहर सब्सक्राइबर के साथ मिलने गए तो वहाँ पे 1 घंटे रुकने के बावजूद कोई भी मिलने नहीं आया। फिर इन्होंने ये भी बताया कि वो हर टाइम सब्सक्राइबर के साथ क्यों मिल नहीं पाते। गाइज, हम पिछले 1 घंटे से ही बैठे यहीं पे डोल रहे हैं, हमसे कोई मिलने नहीं आया। नहीं तो यूजुअली इतने सारे लोग बोलते हैं कि मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। अब देखो, हम खुद यहाँ पे हैं तो ये कौन सी नेता, अगर मैं कहीं बाहर हूँ, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो मैं कैसे मिलूँ जो लोग बोलते हैं कि नहीं मिलता है। तो हाँ, इस बात को समझो प्लीज़ प्लीज़। ऐसा नहीं कि मैं मिलता नहीं हूँ, बट अगर मैं कहीं जाना है काम से हूँ तो फिर मैं नहीं मिल पाता हूँ ना। अभी जैसे अभी कितना कॉइंसिडेंस है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ लेकिन अब कोई नहीं मिल रहा है। और इवन अब तो मेरे साथ में पीयूष भी है, कुनाली भी है। अब जैसे मुझे 2-3 दिन बाद जाना है शूट पे, तो मैं घर पे नहीं रहूँगा पूरे 1 हफ्ते के लिए। तब कोई आगे यहाँ वीडियो बना के ले जाएगा कि यार मिला नहीं, मिल नहीं रहा, बाहर नहीं आ रहा, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यार मैं घर पर हूँ ही नहीं, तो मैं किस तरह से मिलूँ यार? अब मेरे को जाना है, मैं पूरे हफ्ते के लिए बाहर रहूँगा। अभी देखो मैं फ्री हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैं फ्री हूँ तो मैं मिल सकता हूँ किसी से भी। बट अगर मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, तो उस टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें होती है माइंड में, तो उस टाइम पे मैं नहीं मिल पाता हूँ। बस ये बात होती है, क्योंकि माइंड की स्टेट भी देखना पड़ता है ना। सामने सोचता है कि मिल नहीं रहा, लेकिन दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है, कि आप तो कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, कि घर में प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ कुछ बहुत कुछ होता है ना माइंड में। तो हाँ, तो इसी चलिए अब अगले अपडेट के बारे में जानते हैं। आज लक्ष्य चौधरी अपने ब्लॉग में बताया कि वो और स्काउट कैसे एक कंट्रोवर्सी के साथ मिले और फिर दोस्त बन गए। हाँ, तो अभी स्काउट ना वापस से मिला मुझे आज, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं और स्काउट मिले कैसे थे। यहाँ पे भी किसी को नहीं पता, स्काउट बताएगा। एक मेरी बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी हो रही थी डायनेमो के साथ, तो वो एक अलग टेक्निकल टर्म हो रही थी। तो वहाँ से लक्ष्य चौधरी नाम का इंसान अचानक से आता कहीं और से डुबकी मार के, और मेरे को भरता है कि रोस्ट बनाए। मेरे को, मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ स्कैमर, लक्ष्य चौधरी रोस्ट कर दिया। लक्ष्य, ये क्या चल रहा है, कौन रोस्ट कर दिया ऐसा, और मेरे को भी रोस्ट कर दिया, ऐसा क्या सीन हो गया। फिर हमारी ऐसे बता कि मैंने कुछ बोला लाइव पे, इसने कुछ बोला है, लड़ाई चलती रही चलती रही चलती रही। फिर हम लोग इंस्टा हमारी बातचीत हुई, फिर शॉर्ट बाद में बोलते ना, हम दोनों रोस्ट आए बड़े हो गए। 2019 की बात है, ये तो बहुत बड़े थे। ये मुझे गाली बक रहा है, मैं इसको बक रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में आके गाली बक रहा हूँ, ये अपनी लाइफ में गाली। ना इसने मेरे को मैसेज किया, ना मैंने इसको, अपने अपने लाइफ में गाली बक रहे हैं। स्काउट से अपना बदला पूरा किया, तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में जानते हैं। तो आज ट्रिगर इंसान ने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने प्लेग्राउंड को ही रोस्ट कर दिया। बेसिकली प्लेग्राउंड एक गेमिंग एंटरटेनमेंट शो है। उस वीडियो का छोटा सा एक क्लिप मैंने डाला, आइए देखते हैं। तो एक काम कीजिए, एक कटोरी में थोड़ा सा बिग बॉस लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रोडीज ले लीजिए, समझ गया, बिल्कुल ऐसा जरा सी एक बूंद एंटरटेनमेंट की ले लीजिए, फिर इसमें 8-10 अलग अलग शोज का मिर्च मसाला मिला के ऊपर गेमिंग का ठप्पा लगा दीजिए, तो बताइए क्या बनेगा। प्लेग्राउंड, जहाँ पे मैंने एक बार एक कंटेस्टेंट से ये पूछा था कि क्या आप अपने आप को गेमर मानते हैं, और उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला हाँ मैं एक गेमर हूँ। मैंने कहा यार आप बताओ आप कौन सी गेम खेलते हो कि आप अपने आप को गेमर कह रहे हो। कहती मैं कैंडी क्रश खेलती हूँ। I was like, wow, इस हिसाब से मेरी मम्मी तो एक e-sports एथलीट है, क्योंकि वो 1000 लेवल से पार कर चुकी है कैंडी क्रश में। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में जानते हैं। तो रिसेंटली लिक्विपीडिया ने टॉप 20 प्लेयर्स का लिस्ट निकाला, जिसमें उन्होंने बताया कि 2020 में पबजी मोबाइल पेज में विजिट करने वाले का नाम, और इस लिस्ट में 11 खिलाड़ी इंडिया से ही है, जिसमें नंबर 1 पे जोनाथन का नाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।